ही है। जिस तरीके से अभी धान खरीदी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेकर लगातार अब आमने सामने जो भाजपा और कांग्रेस है वो होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कोंडागांव और किसकाल इलाकों में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना सामने आई थी और वहां पर लगातार किसान ये मांग कर रहे थे कि बारदाने की उपलब्धता कराई जाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार उनको परेशानियां धान खरीदी को लेकर आ रही थी। तो इसी बीच अमेरिका दौरे में सीएम भूपेश बघेल वहां पर है और उसी अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने जो मंत्री हैं कवासी लखमा उनको फोन कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली है और धान खरीदी को लेकर भी उनसे यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में जाना है और उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश कवासी लखमा को दिया है कि किसी प्रकार की समस्या किसानों को ना आए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ये लगातार आरोप लगा रही है कि जिन किसानों के बदौलत प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है उसी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया वाकई में। और साथ ही ये भी कि मुख्यमंत्री ने फोन पे कवासी लखमा से ये भी कहा है कि जितने धान के जो टोकन है वो कट गए हैं वो सभी धान लिया जाए, इस तरह की घोषणा भी की जा सकती है। और जो 1 लाख किसान बचे हुए हैं, 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा था, क्या वाकई में, क्योंकि आज अंतिम दिन है, तारीख को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि विरोध चारों तरफ हो रहा है? देखिए, तारीख बढ़ाने को लेकर अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो टोकन अभी कट चुका है उसका उसी में धान खरीदने का ऐलान यहाँ पर प्रदेश की सरकार कर सकती है, क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री फोन पर बातचीत कर रहे थे कवासी लखमा से तो उन्होंने ये इस बात के संकेत दिए हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो टोकन कट चुका है उसी में धान खरीदने की करने का ऐलान यहाँ पर सरकार कर सकती है। भाजपा की क्या रणनीति रहने वाली है क्योंकि विरोध तो कर ही रही है? लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से जो भाजपा का प्रतिनिधि मंडल है वो मुलाकात करने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है क्योंकि जो राज्यपाल है वो खुद अभी बस्तर के दौरे पर जा रही है, तो इसलिए ये संभावना बहुत कम है कि उनकी मुलाकात होगी। लेकिन फिर भी भाजपा की कोशिश है कि आज राज्यपाल से मुलाकात कर धान खरीदी की जो तिथि है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर मांग भाजपा का प्रतिनिधि मंडल कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हेमंत। अगली खबर का रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ में धान